हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं IMS DEE 2021 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जी गाइस, आप लोगों का जो IMS का यहाँ पे जो गाइस एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। आपको सिंपली जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम बता रहे सेम एज इट इज़ फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगी, उस लिंक पे क्लिक करना तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे गाइस आप लोगों को आपका जो है फुल नेम सबसे पहले यहाँ पे एंटर कर देना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है। देन गाइस आप लोगों को यहाँ पे आपका जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे सिंपली जो है एंटर कर देना है। कोर्स सेलेक्ट कर लेने, किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी जो ईमेल एड्रेस है गाइस वो ईमेल एड्रेस आप लोगों को यहाँ पे जो है एंटर कर देना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आप लोगों को अपना वैलिड ईमेल एड्रेस एंटर करके बता दिया है। यहाँ पे फिर एग्री करके सिंपली रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना होगा। अब गाइस जैसे आप रजिस्टर नाउ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आप लोगों को जो है गाइस रजिस्ट्रेशन आपका कंफर्म हो चुका है और आप लोगों के जो है ईमेल एड्रेस पे गाइस आप लोगों को जो है एक जो है लिंक भेजी गई है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि गाइस मेल में किस तरह से लिंक आएगी, आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। लेकिन आप देख सकते हो ओके पे कंटिन्यू पे क्लिक करते डायरेक्टली आप लोग जो अपने प्रोफाइल में लॉग इन हो चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को स्टेप्स बता दिए जा रहे हैं। तो सिंपली क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा आप लोगों को। जैसे ही आप क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप लोग डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाएंगे। अब गाइस ईमेल एड्रेस में देख सकते हैं इस तरह से आप लोगों को जो मेल आ गया रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं IMS नोएडा के थ्रू आप लोगों को मेल आया हुआ है। और सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पे जो आप लोगों को यूजर नेम और आप लोगों को पासवर्ड दे दिया, इसके थ्रू आप लोग डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे आने का टोटल यहाँ पे गाइस चार स्टेप्स है। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करना है, पेरेंट्स डिटेल्स, देन एजुकेशन डिटेल्स और फिर पेमेंट करना होगा। तो सबसे पहले सिंपली आप लोगों को यहाँ पे जो क्या करना होगा, अपना जो है बजट यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट कर लेनी है। देन गाइस यहाँ पे आप लोगों को अपना जो है ब्लड ग्रुप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है आप लोगों को, यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है आप लोगों को, अपनी रिलीजन गाइस आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं सिंपली वो रिलीजन यहाँ पे आप लोगों को जो है सेलेक्ट कर लेना होगा। फिर गाइस रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है गाइस, तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। अल्टरनेट ईमेल आईडी रहेगी जो भी यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे मैं सैंपल के तौर पे XYZ एंटर कर रहा हूँ, आपको वैलिड ईमेल आईडी एंटर करना होगा। फिजिकली चैलेंज हो येस या नो में आंसर देना है। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस एंटर करना होगा, तो यहाँ पे सिंपली आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, सिटी सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पे गाइस एड्रेस लाइन 1 एंटर कर देना है, एड्रेस लाइन 2 आप लोगों को यहाँ पे जो है फिर नीचे एंटर कर देना होगा। और यहाँ पे गाइस आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड एंटर करके सिंपली आप लोगों को यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। अब गाइस जैसे अब यहाँ पे जो है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे गाइस, तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप लोग जो है डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच जाएंगे, जो कि आपका पेरेंट्स डिटेल है। तो यहाँ पे आपको सिंपली अपने पेरेंट्स की डिटेल फिल कर देने लगे, आपको यहाँ पे अपने फादर का जो है नाम एंटर कर देना होगा, यहाँ पे जो उनका मोबाइल नंबर गाइस आप लोगों को यहाँ पे जो है एंटर कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे सेम मदर डिटेल, बाकी की जो डिटेल्स आप चाहे तो फिल कर सकते हैं, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो राइट नाम है वही डिटेल्स फिल करना कंपलसरी, इसलिए हम जो है यहाँ पे वही डिटेल्स फिल कर रहे हैं। अब गाइस मोबाइल नंबर आपको सिंपली यहाँ पे जो है एंटर कर देना होगा, और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप लोगों को फिर अगेन सिर्फ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप लोग जो है डायरेक्टली थर्ड स्टेप पे चले जाएंगे, जहाँ पे गाइस आप लोगों को एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे गाइस आपको जो SSC यानी कि आपके जो है 10th के स्कूल का जो है गाइस नाम एंटर कर देना होगा, कि क्या कौन सा बोर्ड है वो बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, और ईयर ऑफ पासिंग क्या था आपको जो ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेना होगा, कितने मार्क्स या CGPA या परसेंटेज जो भी था कितने आपने अपने स्कोर के, तो वो एंटर कर देना होगा। देन आपको यहाँ पे HSC यानी कि आपको 12th की डिटेल सेम तरह से 12th की डिटेल जो यहाँ पे एंटर कर देनी है गाइस, स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे पासिंग ईयर आपका क्या था वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा, और फिर उसके बाद आपका चाहे तो मार्क्स आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद गाइस आपका एंट्रेंस एग्जाम की डिटेल्स पिछड़ी अगर आपने दिया तो येस करना, ना नो वर्क एक्सपीरियंस है तो येस होना, नो कर देना सिंपली, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है तो भी येस या नो में आपको आंसर देकर सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो उसके लिए सिंपली फोटोग्राफ पे यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना होगा, जिस भी लोकेशन में आपका फोटोग्राफ है सिंपली वहाँ पे जाके गाइस आप लोगों को जो है अपना फोटोग्राफ जो है वहाँ पे डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं आप लोगों को अपना जो है फोटोग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट करके बता देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे देख सकते हो फोटोग्राफ यहाँ पे हो चुका है सेलेक्ट, SSC मार्कशीट सेलेक्ट करनी है, अगेन चूज फाइल पे क्लिक करना होगा, आपकी जो मार्कशीट है वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। फिर गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको जो बोर्ड सेलेक्ट करना है, जो जो डिटेल्स है सारी डिटेल्स फिल करके सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। आप लोग फाइनल स्टेप पे पहुंच जाएंगे पेमेंट के, फोर्थ स्टेप पे, उसमें आप गाइस आपको एप्लीकेशन फी पेमेंट करनी होगी और आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। सो गाइस आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नॉलेजेबल रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।